हेलो दोस्तों, बॉन्जोर इंडिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो को ला रहा हूँ, दो मकसद है। पहले तो अभी ये प्रेजेंट नज़ारा दिखाना आप लोगों को। आप समझ ही गए होंगे कि ये सीन्स कहाँ के हैं। ये गुलमर्ग के हैं दोस्तों, और ये आज के ही वीडियो हैं। अभी ये आपके सामने द्रंग वाटरफॉल है, फ्रोजन वाटरफॉल। छोटी सी वाटरफॉल है, बट इस टाइम पे ये बहुत खूबसूरत हो जाती है, इसलिए यहाँ जाना लोग पसंद करते हैं। और ये तनमर गुलमर्ग से नज़दीक पड़ता है दोस्तों, तो आप भी यहाँ पे जा सकते हैं। सेपरेट टैक्सी चार्जेस आपको यहाँ के लिए लगते हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ के लिए कितने चार्जेस लगते हैं। तनमर से अगर आप कैब लेते हो तो एक्स्ट्रा आपको कितना देना पड़ सकता है, और अगर आपका कैब वहीं है जो आपको टूर में अकंपनी कर रहा है जितने दिन आपके टूर है, तो थोड़ा कम हो जाता दोस्तों। आप स्पेशली वहाँ से दूसरे ड्राइवर के साथ जाओगे तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये आपके सामने फेज़ टू की वीडियो है दोस्तों। देखो कितनी अच्छी सनलाइट है, बहुत ही अच्छा वेदर अभी चल रहा है। अगर ओमिक्रॉन नहीं होता तो ये बहुत अच्छा समय था आप लोगों के लिए विज़िट करने का। चलो दूसरे मकसद पर आते हैं। अभी जो वेदर आपके सामने है यही वेदर है, कोई स्नोफॉल अभी नहीं हो रही। जो लास्ट स्नोफॉल हुई थी 8 को हुई थी, जिस दिन मैंने आपको अपडेट किया था सारे फ्लाइट्स ऑलमोस्ट कैंसिल हो गए थे, एक दो को छोड़कर। इसके बाद भी बहुत सारे यूट्यूबर्स, उनमें से बहुत लोगों के तो 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर भी हैं, वो फॉल्स प्रेडिक्शन कर रहे थे कि 11 और 12 को स्नोफॉल होने वाली है, और 11 को स्नोफॉल हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, ड्राई और सनलाइट वाला वेदर रहा है, कोई भी स्नोफॉल नहीं हुई है अभी। अभी जो नेक्स्ट कन्फर्म अपडेट है दोस्तों, 19 तारीख को मेजर स्नोफॉल प्रेडिक्ट किया जा रहा है फिर से, 19 जनवरी को। आप नोट कर ले, 19 के पहले जो है 17-18 को स्कैटर्ड स्नोफॉल प्रेडिक्ट किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की स्नोफॉल हो सकती है, बट 19 को आप बोल सकते हैं कि हैवी स्नोफॉल होगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो 19 का टिकट ना ही कराओ तो बेहतर होगा, उसके एक दो दिन आगे पीछे आप लेके चल सकते हो दोस्तों। स्कैटर्ड स्नोफॉल में कम चांसेस होते हैं फ्लाइट के कैंसिल होने का, तो आप 16-17 का टिकट करा सकते हो, नहीं तो आप सीधे 20-21 का ही टिकट कराना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी स्नोफॉल फिर से होगी, और अभी तक आपको जितने भी स्नोफॉल प्रेडिक्शन मैंने शेयर किए 100% रिकॉर्ड रहा है इस चैनल का। आप अक्टूबर से उठा कर देख ले, जब पहली स्नोफॉल हुई थी दोस्तों, अक्टूबर 11, मुझे डेट भी याद है जो मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी। हालांकि उस समय लाइट स्नोफॉल हुई थी, जो प्रॉपर स्नोफॉल हुई है दोस्तों वो नवंबर में ही, फर्स्ट वीक में 5 नवंबर को हुई थी। उसके बाद से तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिल ही रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा मैंने ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाई है, चाहे वो कैब होटल रेट्स हो, स्नो एक्टिविटी रेट्स हो, अदर एक्टिविटीज़ हो, जैसे पोनी राइड, शिखारा राइड, कैसे आप वहाँ स्कैमर से बच सकते हैं, क्या एक्चुअल रेट्स हैं। कश्मीर बहुत ही कमर्शियल डेस्टिनेशन है, एक अच्छा होस्ट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आपके पास एक अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए, कहाँ कितने पैसे आपको लगने हैं वो आपको जानकारी सटीक होनी चाहिए दोस्तों। नहीं तो ऐसे बहुत से टूरिस्ट होते हैं जो लूट कर स्कैम होकर कश्मीर से वापस आते हैं, जब वो वापस आते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उन्होंने तो डबल ट्रिपल रेट्स पे सारे चीज़ किए, और कश्मीर कभी दोबारा नहीं जाने का डिसीज़न ले लेते हैं दोस्तों। कोविड रूल्स की बात करें तो लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से आपको बताया था विद प्रूफ कि क्या अभी वहाँ पे प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, उसे ज़रूर देखें दोस्तों। मुझे लगता है कि जनवरी तक अभी यहीं प्रोटोकॉल होने वाला है, बाकी आगे का हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ओमिक्रॉन केसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है और RT-PCR रिपोर्ट भी नहीं है तो आपको वहाँ चेक हो जाता है, बट फिर भी मुश्किलें आती है दोस्तों। बट आगे ऐसा होगा कि आपको बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट या RT-PCR रिपोर्ट के तो वो एंटर ही नहीं करने देंगे। करंट कैब रेट्स हो, होटल रेट्स हो, सारे एक्टिविटी रेट्स हो, मैं तो आपको अपडेट करता ही रहता हूँ, फिर भी अगर आपको कंबाइन होटल कैब्स सब कुछ साथ में कम बजट में चाहिए तो आप ट्रैवल माई कश्मीर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके साथ हमने अपना पहला ट्रिप किया था, हमारे बहुत से दोस्त, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी उनके साथ ट्रिप कर चुके हैं दोस्तों, तो आप भी बेहिचक निश्चिंत होकर उनके सर्विसेज ले सकते हैं दोस्तों। और जो लोग कश्मीर की जगह कहीं और जाना चाहते हैं स्नोफॉल देखने के लिए, तो आप शिमला जाएँ, बहुत ही अच्छी स्नोफॉल हुई कुफरी में, तो वहाँ भी लेस बजट में आप जा सकते हो दोस्तों। हमने राजेश ठाकुर जी के साथ ट्रिप की थी, आपने हमारे व्लॉग्स भी देखे होंगे, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों। कल मेरे पास सोनमर्ग पहलगाम के भी लेटेस्ट वीडियोस आ जाएंगे, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, और इसके साथ हाउस बोट के भी वीडियोस ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आप हाउस बोट में रुकना चाहते हो तो आप गुना हाउस बोट में रुक सकते हैं, बहुत ही अच्छी हीटिंग फैसिलिटी के साथ, क्योंकि हमने भी अपने पहले ट्रिप में वहीं स्टे लिया था दोस्तों। उसके वीडियोज़ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम न्यू अपडेट के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद।